हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर अगर आप भी अपग्रेडेड वर्जन में टीडीएस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एडिट लॉग वर्जन में टीडीएस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और जनरल बाउचर के अंदर अगर आपसे भी टीडीएस नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है तो बहुत ध्यान से देख लीजिए और आज आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टैली प्राइम ओपन किया। ये ग्रोसरी शॉप नाम का एक कंपनी है हमारे पास। सबसे पहले तो चेक कीजिएगा कि टीडीएस इनेबल है या नहीं। तो F11 की प्रेस करके और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है पहला, दूसरा, टैक्सेशन वाले सेक्शन के अंदर तीसरा ऑप्शन है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसको यस रखना है और तमाम डिटेल्स एंटर करके ये सब भर वर के आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आएगी, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम वगैरह यहाँ पर भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर अजय विजय कुछ भी, जो भी इनका नाम होता हो, और सन ऑफ, फादर ऑफ, ये सब भर के एंटर करते हुए एंटर कर लीजिएगा। और इनका पैन नंबर वगैरह भी भर लीजिएगा और एंटर एंटर लास्ट तक करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो मतलब कि टीडीएस आपका एक्टिवेट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब भी आएगी। अब बी बटन प्रेस करके जनरल वाउचर में चलेंगे। जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डेबिट आ रहा है तो डेबिट किसको करना है, तो हम यहाँ पर अल्ट सी करके एक लेजर बना रहे हैं, रेंट ऑन रूम। ठीक है, एंटर करेंगे और इसका ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसे डाल देंगे। यहाँ नॉट एप्लीकेबल करते हुए नीचे आएंगे, एंटर करेंगे। थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आपको रखनी होती है जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गलती कर देंगे तो आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया सेट ऑब्लिक अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, तो इसको आपको यस रखना है और एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए टीडीएस अनडिफाइंड आ रहा है, तो आपको अनडिफाइंड तो रखना नहीं है के, और यहाँ पर जो है एप्लीकेबल करना है इसको, ये एप्लीकेबल कर दीजिएगा। और एप्लीकेबल करके और यहाँ पे रेंट ऑन रूम बना लीजिएगा, रेंट ऑन रूम। ये अपग्रेडेड वर्जन की कहानी बता रहा हूँ, इसमें बहुत दिक्कत आती है आपको और आप टीडीएस ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब रूम वाले रेंट का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, तो ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसका सेक्शन होता है 194I। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट कोड जो इनका होता हो वो डालिएगा, रेमिटेंस कोड डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आइएगा तो पैन कार्ड के साथ 10% जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। और थ्रेस होल्ड जो है यहाँ पर हम 50,000 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 50,000 डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करते हैं तो कितना वो यहाँ पर रूम का रेंट महीने का कितना मिलता है, तो यहाँ पे अगर 1,20,000 रुपए रूम का रेंट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे करके एंटर करेंगे। और यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी यानी जो हमारी सप्लायर पार्टी होती है उसका लेजर आता है। तो यहाँ पर मैं राजेश कर देता हूँ, ये क्रेडिटर पार्टी है, ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर का, तो यहाँ से चूज कीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर और एंटर करके यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर इसको यस रखिएगा और यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल जो है यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर AOP रेजिडेंशियल करते हैं फिलहाल, एंटर करते हैं। इनका पैन नंबर होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पैन नंबर इनका डाल दीजिएगा और एंटर करके और प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस रखिएगा, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो गया है यहाँ पर। और अब एंटर करिएगा और एंटर करते हुए नीचे आइएगा। नीचे आकर के यहाँ पर एक टीडीएस का लेजर बनाइएगा, तो ये हो गया टीडीएस, एंटर किया। ये रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे ये टीडीएस है, ना ही GST है ना ही अदर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीडीएस कर दीजिएगा। और टीडीएस करने के बाद ये रूम रेंट जो बनाया है इसको लगा करके एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 12,000 रुपए टीडीएस जो है डिडक्ट हुआ है। ठीक है, और सारी डिटेल्स यहाँ पे आई है। ठीक है, टीडीएस डिडक्टेड इन JOURNAL जर्नल बाउचर BVOUCHER, ये कर दिया हमने, एंटर कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये हो गया काम। ठीक है, अब इतना होने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट देख लेनी है कि जो टीडीएस इसमें लगाया गया किस तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये स्थिति है, अल्टी करके एंटर करके और यहाँ आई बटन प्रेस करके आप देख भी सकते हैं कि क्या किस तरीके से ये प्रिंट आउट आएगा आपका।
तो ये आपका प्रिंट आउट है। तो अगर आपसे भी टीडीएस नहीं कैलकुलेट होना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने ही हैं, ठीक है। तो जब भी दिक्कत होती है, जो भी टैली में दिक्कत है, वो मुझे सीधा बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।